साहिब जी कन हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल नहै जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गा सुखाओ होटल गुर सेवी है एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जा वो है सिफत संबंधी दूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी खटिया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एहो साचा सोहला साचा कर गावो गावो सोला कर सच जिथे सदा सच त्यावा एहो साचा सोहिला सच कर गावो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत सतगुरां ने अमृत वेले दियां दातां सानू बख्शिश कीतियां आप संगतां गुरबाणी दे कीर्तन कीर्तन तो पहला नितनेम सरवन करके मनुखा जन्म दा ए वड्डा भारी लाभ प्राप्त कीता है। धन गुरु अमरदास महाराज जिया की रचित जो बाणी आनंद साहब है जो आप नितनेम दिया बाणिया विच भी ये बाणी का पाठ करते हाँ इस आनंद साहब की बाणी की विचार आप सरवन कर रहे से 38 पौड़ियाँ इस बाणी दियाँ आप पिछले दीवान अंदर सरवन कीतियाँ जिस तरह महाराज साहब जी अगे कृपा कर रहे है वह बचन आप अज सरवन करांगे मन दे ध्यान नूं टकाईए मिलके आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी ओ इहो साचा सोहला साचा कर गावो आपां इतिहास विच बचन सरवण कीते धन गुरु अमरदास महाराज जिया दे कोल एक योगी चल के आया कहन लगा सतगुरु जी ब्रह्म दी दात बख्शिश करो। सतगुरु महाराज उहदी भावना वेख के बेनती वेख के उसका जप तप वेख के कहन लगे योगी जप तप ते बहुत कीता है तेरी भावना श्रद्धा भी बहुत है पर ब्रह्म की दात तेनू इस जन्म विच नहीं मिलेगी।
महाराज कारण की है? सतगुरु कहन लगे तेरा अजे एक जन्म बाकी है, जिहड़ा एक जन्म बाकी है वह प्राप्त करेगा फिर ब्रह्म अवस्था का मालक बन जाएगा। योगी ने महाराज साहब जी का वचन सुनिया, कहन लगा महाराज की पता अगला जन्म कित्थे जाके मिलना है, किस तरह का जीवन हो जाए, आप जी मेरे उपर कृपा करो। सतगुरु ये बचन सुन के कहन लगे कोई गल नहीं, अगला जन्म तैनू असी अपने घर विच दे देवांगे, साडी संगत विच आ जावी। महाराज साहब जी का यह बचन उस वेले पूरा होया। ये योगी अपनी उमरा भो के संसार तो कूच कर गया। गुरु अमरदास महाराज जिया के छोटे पुत्र ने बाबा मोहरी जी, मोहरी जिया के घर दे विच बच्चे दे रूप दे विच इसने जन्म ले लिया। परिवार वालों महाराज साहब जिया दसिया गया सतगुरु घर विच आप जी दे पोतरे दी दात प्राप्त हुई है। ये बचन सुन के धन गुरु अमरदास महाराज जी दे जो सेवक सन भाई बल्लू जी उन्हों का नाम है इतिहास दे विच, जो सतगुरां नू प्रशादा छकाउण दी सेवा, इशनान कराउण दी सेवा सिख करदा है, नाम है भाई बल्लू जी। महाराज कहन लगे जा भाई बल्लू जिस बालक ने अज जन्म लिया ना उसनू साडे कोल लैके आओ। भाई बल्लू जी बचन मन के घर विच गए, जिस जगह दे उपर बच्चे का जन्म होया कपड़े दे विच लपेट के सतगुरां दे कोल लैके आंदा। महाराज जिया ने अपनी गोदी विच इस बालक नू लम्मे पाया, नाल ही संगत ने परिवार ने फरियाद कीती है महाराज इस बालक का आप जी नामकरण भी करो। जदों ये बचन महाराज साहब जिया ने सुने तो सतगुरां नू वो बचन याद है कि ये योगी दे रूप दे विच पिछले जन्म दे विच साडे कोल ब्रह्म दी दात लैन वास्ते आया सी, इसने वचन पूरा कर दिया, हुण अगला जन्म साडे घर विच पोतरे दे रूप दे विच लिया है। ये वचन जान के महाराज साहब जिया ने उस वेले इस बच्चे का नाम रखिया भाई आनंद जी, ते सतगुरां ने इस बाणी का नाम भी आनंद साहब की बाणी रखिया है, रामकली महला तीजा आनंद, ये महाराज साहब जिया ने आप लिखवाया है। सो इस तरह वह बालक महाराज जिया की गोदी दे विच संगत बैठिया हुई, धन गुरु अमरदास महाराज साहब जी इस बाणी नू उचारण करदिया होया, जिस वेले 38 पौड़ियां पूरिया हो गई तो सतगुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे भाई बल्लू जी इस बालक नू हुण घरे छड के आओ, माता दे कोल इस नू बालक नू दे के आओ। भाई बल्लू जिया ने बचन मन्या, उस बालक नू महाराज साहब जिया की गोदी विचों लैके घर विच पहुँच गए, जाके माता जी नू दिता। जिस वेले सतगुरां दे कोल वापस आए ना भाई बल्लू जी, तो सतगुरां ने उस वेले दो बचन किते। एक ते बचन महाराज साहब जी इस बाणी दा महात्म दसदे पै, दूजा भाई बल्लू जी नू आग्या करदे पै भी इस बाणी नू हुणे तुसी पढ़ना करो। किवें महाराज जियां ने बाणी ओह पढ़ाई है? भाई संतोख सिंह जियां ने बचन लिखिया पौड़ी करी दोए काम चाली, चालियां तो दो घट पौड़ियां गुरु अमरदास महाराज ने उचारियां। जिहड़ी आपां आनंद साहब की बाणी 40 पौड़ियां पढ़दे हाँ उहदे विच बचन यह है भी 38 पौड़ियां धन गुरु अमरदास महाराज साहब जी ने इस बालक नूं अपनी गोदी विच लै के बख्शिश कीतियां। पौड़ी करी दोए काम चाली, दो घट ते 40 पौड़ियां कह लईए भी 38 पौड़ियां महाराज साहब जी ने बख्शिश कीतियां। निज पोतरे परथाए बसाली, अपने पोतरे दे परथाए, भाई आनंद जी उन्हां दा नाम रखिया, महाराज जिया की गोदी का शिंगार बनया, सतगुरु उहदे परथाए ते संगतां दे भले वास्ते बाणी रचदे पै। पोतर सो बाणी को आनंद, कहन लगे साडा पोतरा बाणी का आनंद होवेगा, इहदा नाम भी आनंद होवेगा, ये बाणी का भी आनंद लवेगा और ब्रह्म की अवस्था नू प्राप्त करके आनंदो आनंद हो जाएगा। नाम धरियो गुर भयो आनंद, सतगुरां ने बाणी का नाम भी आनंद साहब रख दिता, तो उस बच्चे का नाम भी महाराज जिया ने भाई आनंद जी रखिया। इतिहास के बचन हैं पुन बल्लू को दीनस बालक, भाई बल्लू जी महाराज जिया के सेवादार। सतगुरु कहन लगे लै भाई बल्लू इस बालक नू हुण तू अपने हथां विच लै लैना कर।
भाई बल्लू जी ने बालक नूं हथां विच लिया। महाराज की आ गया है? सतगुरु कहन लगे इस नूं घर छड के आओ। उत्थे फिर भाई संतोख सिंह जी बचन लिखदे ले घर को गमनिओ तत्कालक। बच्चे नूं अपने हथां विच लै के भाई बल्लू जी छेती नाल घर नूं चल पै। सतगुरां दी आग्या मनदिआं होइआ तिस माता को दियो सो गोद। जिस माता ने उस पुत्र नूं जन्म दिता है उस माता दी गोदी विच जा के भाई बल्लू जीआं ने उस बालक नूं लम्मे पा दिता, जां कह लईए भी उहनां नूं दे दिता भी लओ भाई अपना बालक सांभ लैणा करो। देख पुत्र को महा प्रमोद। जदों माँ ने वेख्या कि मेरा पुत्र सतगुरां दी हजूरी विचों आया है, महाराज जीआं ने इसदा नाम भी भाई आनंद रखिया है, बड़ियां बख्शिशां कीतियां, माता साहब भी बड़े खुश होए। सो बचन आ गया जब बल्लू गुर के ढिग आयो। इन्ने चिर नूं भाई बल्लू जी उह बालक दे के सतगुरां दे कोल वापस आ गए। आके फिर मत्था टेकिया, महाराज हुण की आ गया है? ते गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे मंगल मूल सो बाग सुनायो। महाराज ने खुशी देन वाला एक बचन, चढ़दी कला वाला एक बचन भाई बल्लू जी नूं महाराज कहन लगे लिहो ढोलक अब अपने हाथ। महाराज कहन लगे भाई बल्लू जी हुण दूजी आ गया ये है। आपां पहला बचन सरवण कीता सी ना भी महाराज ने दो बचन किते। पहला बचन ये सी भी इस बालक नूं घरे छड के आओ, बचन मन्निया पूरा कीता। भाई बल्लू जी कहन लगे महाराज हुण दूजा हुक्म की है? सतगुरु कहन लगे दूजा हुक्म ये आ भी ढोलक लैके ना ढोलकी ते इस दे नाल रस्सी बन के ते उहनूं अपने गल विच पा लवो। भाई बल्लू जीआं ने हुक्म मन्निया, छेती नाल ढोलकी नूं अपने ढोलक नूं गल विच पा के महाराज हुण की हुक्म है? चढ़ कोठे पर बड़ सुर साथ। महाराज कहन लगे भाई बल्लू कोठे दे उपर चढ़ जा छत दे उपर। सतगुरु छत दे उपर जाण वास्ते तैयार हाँ, अगे की हुक्म है? महाराज कहन लगे उच्ची आवाज दे विच जिथों तक तेरी आवाज जावे, जिन्ना भी उच्ची बोल सकदा बड़ी उच्ची आवाज दे नाल गावो आनंद बजावो जावो। सतगुरु पातशाह कहन लगे इस आनंद साहब दी बाणी दा उच्ची उच्ची ढोलक वजा के ते गुरबाणी नूं पढ़ो गाओ, जिस तरह रागी सिंह गाउंदे न इस तरीके नाल उच्ची उच्ची इस बाणी सारी नूं जिन्नी असी रची है 38 पौड़ियां इह सारी दी सारी बाणी कोठे दे उपर चढ़ जाओ। कुछ नाल संगतां सिख लै लवो, कोई अपने हाथ विच छैणे लै लवे, कोई ढोलकी कोई मृदंग जिस तरह दे कोई साज वजा सकदा है लै जाओ भाई संगतां नूं नाल। इह साज लिजा के ते छत दे उपर चढ़ के साजां नूं वजा के ते उच्ची आवाज़ दे विच गाउणा करो। ते महाराज साहिब जीआं दा बचन हरखावो बहु नरन सुनावो, खुश हो के बाणी पढ़ो। इस बाणी नूं पढ़ के बहुते लोकां नूं सुनाओ, जिथों जिथों तक तुहाडी आवाज़ जांदी है इस बाणी नूं सुनाउणा करो। गुरमुखो अज वी कोई समागम हुंदा ना अपने घर दे विच, इस बाणी नूं सब तों अखीर ते पढ़ के जिहड़ा किसी ने पाठ नहीं सुनिया, किसी ने कीर्तन नहीं सुनिया, अरदास तों पहलां इह बाणी पढ़ के सारिआं नूं अज वी सुनाई जांदी है। संगतां नाल पढ़दियां वी, नाल संगतां बोलदियां वी इस बाणी नूं। पातशाह कहन लगे हरखावो बहु नरन सुनावो, बहुते लोकां नूं सुना के खुश करो, आप भी खुश होवो ते खुश हो के इह बाणी पढ़ना करो। ये सारिआं दी झोली विच दात पा दिओ। ये बाणी सुंदर गुण भरी, ये बाणी बड़ी सुंदर सी उचारी है और ये बाणी गुणां दी भरी हुई, गुणा भरपूर बाणी है। सतगुरां दी जिहड़ी बख्शिश कीती है सुणे सो पाए कामना धरी। गुरमुखो धन गुरु अमरदास पातशाह दे बचन, जिहड़ा इस बाणी नूं सुनेगा उहदी मन दी कामना पूरी होवेगी। ये महाराज दे बचन ने धन गुरु अमरदास पातशाह दे, जिहड़ा इस आनंद साहब दी बाणी नूं सुनेगा चित ला के, जां इस आनंद साहब दी बाणी नूं पढ़ेगा भावना दे नाल, उहदी मन दी कामना पूरी होवेगी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जीआं दे बचन ने कि जदों भी मेरे सिख दे उपर कोई विपता पै जावे, कोई संकट दा समा पै जावे, जां कोई एहो जिहा कारज होवे जिहड़ा हुंदा ना होवे, उहदे विच कोई रोक पै जावे, ते मेरा सिख भावना दे नाल कड़ा प्रसाद दी देग बना के
गुरु की हजूरी विच देग रख के आनंद साहब की बाणी के तीन पाठ संपूर्ण करे। ये 40 पौड़ियां के तीन पाठ संपूर्ण करके फिर गुरु ग्रंथ साहब पातशाह के अगे अरदास करे। जिहड़ा कार्ज अटकया होवेगा, जिहड़ा कार्ज रुकया होवेगा, जिस कार्ज विच विघन पै रहे होणगे, विघन बिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। ये जे सतगुरु कार्ज सवार दे ते तां ही लिखिया गुरबाणी दे विच कि महाराज साहब जी इस तरह कार्ज सवार दे, चढ़दी कला बख्शिश कर देंदे। महाराज कहन लगे, सुणहि जो पाए कामना धरी। जिहड़ा इस बाणी नूं सुनेगा, इस बाणी नूं पढ़ेगा, आनंद साहब दी बाणी, उहदी कामना पूरी हो जाएगी। इत्थे ही बस नहीं, नित इस पठन नेम निरवाहे। साडा सिख रोज़ इस बाणी दा नितनेम करे, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं। जदों पंजां बाणियां दे नितनेम आपां करदे, उहदे विच इह बाणी वी एक गुरु क्या सिखा ने जां गुरु साहब ने शामिल कीती है वी पंजां बाणियां दे विच आनंद साहब वी बाणी पढ़ी जाएगी। धन दसवें पातशाह महाराज जिया ने अमृत दियां दातां बख्शिश कीतियां, खंडे बाटे दा अमृत तैयार करन वेले भी इस बाणी दा पाठ महाराज जिया ने अपने मुखों उस वेले बख्शिश कीता है। अलभ न वस्त होत जे चाहे, अगला बचन महाराज जी दा, कोई दुनिया विच एहो जी वस्तु नहीं है जिहड़ी सिख चाहे कि मैनू मिले पर वह मिले ना। इस तरह की वस्तु कोई है ही नहीं। अलभ तो भाव है ना लभण वाली, जिहड़ी नहीं ना कितों लभण वाली, वह वस्तु भी जे गुरु की संगत विच बैठ के भावना नाल इस बाणी नूं पढ़ के अरदास करेगा, अलभ वस्तु जिहड़ी है उसदी भी दात प्राप्त हो जाती है। मुक्त भुगत की ये फलदायक। इत्थे ही बस नहीं, दुनिया के पदार्थ तो मिलते पर यह बाणी जिहड़ी है ये मुक्ति की दात भी दिंदी है। जिहड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा वह मुक्ति नूं प्राप्त करेगा। जिहड़ा इस बाणी आनंद साहब जी नूं पढ़ेगा वह भुगत कहीए पदार्थ, वह पदार्थां की प्राप्ति भी कर लवेगा। ऐसियां दातां ये बाणी दिंदी है, मुक्ति भी दिंदी है और पदार्थ भी दिंदी है। दुनिया दे विच बड़े मंत्र ने, उन्हां मंत्रां नूं पढ़ के जां ते कोई सिद्धि मिल जाती है, कोई ताकत मिल जाती है। ताकत देन वाले, सिद्धि देन वाले बड़े मंत्र दुनिया दे विच, मुक्ति देन वाला कोई मंत्र नहीं है। मुक्ति देन वाला मंत्र वो है जिहड़ा गुरु ने बख्शिश किया है। सो गुरमुखो, सतगुरां दी ये जो बाणी है ना, ये सानू मुक्ति भी देंदी है और पदार्थ भी देंदी, दोवें इच्छा साडियां पूरियां कर देंदी। महाराज साहब जियां दा बचन, पाए पदार्थ सहज सुभावक। सुभावक ही सहजे ही जिहड़ा पदार्थ तैनू चाहीदा होया वह तैनू मिल जाएगा। ये ऐसी बाणी महाराज साहब जिया ने रची है। रची हेत सिखण कल्याण, सिखां दे कल्याण करन वास्ते, मुक्त करन वास्ते गुरु अमरदास पातशाह कहिंदे भी ये बाणी असी रची है। पठे सुने सुख लह है महान, जिहड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा उहनूं भी सुख मिलेगा, जिहड़ा इस बाणी नूं सुनेगा उहनूं भी सुख मिलेगा। महान सुख की प्राप्ति इस आनंद साहब की बाणी नूं पढ़दिआं ते सुणदिआं प्राप्त होवेगी। सब कारज की सिद्धि देत, जिन्हें तेरे कारज ने उन्हां कारजां नूं सिद्ध करन वास्ते बाणी है। अज जदों भी कड़ाह प्रसाद की देग बनती है ना, असीं अपने घर का भावें नींह पत्थर रखना होवे, भावें बच्चे दे जन्मदिन की अरदास करनी होवे, भावें किते विदेश जाण वास्ते अरदास करनी, कड़ाह प्रसाद की देग बना के लिआंदी है, ये बाणी उस वेले पढ़ी जाती है। पढ़ के फिर अरदास करी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि महाराज कहन लगे, सब कारज की सिद्धि देत। ये सारे कारजां विच इहदे विच सिद्ध प्राप्त हुंदी है, भी सारे कारज सिद्ध हो जांदे, किसी कारज विच कोई रुकावट कोई विघन रह नहीं जांदा है। ये ऐसी सतगुरां दी बाणी है जो इस धारे प्रेम समेत, फिर इस बाणी नूं प्रेम दे समेत पढ़ना पवेगा, बद्धा चट्टी दे नाल नहीं। जिहड़ा इस बाणी नूं प्रेम नाल पढ़ेगा ते महाराज कहन लगे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम दे नाल बाणी पढ़ी ते परमात्मा मिल जांदा। दुनिया दे पदार्थ की ने? कुछ भी नहीं,
ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੰਗਲ ਕੇ ਆਦਿ ਭੜੀਜੈ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਦੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਮੰਗਲ ਕੇ ਆਦਿ ਭੜੀਜੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਿਹੀਜੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਆਇਸ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਰ ਢੋਲਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਢੋਲਕ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕੋਠੇ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਤਕਾਲਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਨ ਵਜਾਵਣ ਧੁੰਨ ਵਸਾਲਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਾ, ਢੋਲਕ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 38 ਪੌੜੀ ਸਭ ਗਾਈ, 8 ਤੇ 30 ਕਹਿ ਲਈਏ 38, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਧੁਨ ਉੱਚੀ ਸੋ ਨਰਨ ਸੁਣਾਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਕੰਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ,
ਇਹ ਬਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਧੁਨ ਘੱਟਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਚਲੋ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਧੁਨ ਉੱਚੀ ਸੋ ਨਰਨ ਸੁਣਾਈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਸੁਣਿਓ ਕਾਨ ਮਹਿਤਬੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਔਰ ਸਭੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 39 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, 39ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਸੱਚਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਘਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਕਰੇ। ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਲਾ ਘਰ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਘਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਸ ਹੈ, ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੋਹਲੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਜਾਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੈ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ।
कहन तो आप किसी भी कह देंगे, पर असल में गुरमुख वो है जिसनों तू अपना आप बुझा दिता है, समझा दिता है, जिन्हों सोझी बख्शिश करता है, उ असल गुरमुख हैं। सत सबना का खसम है, सजिस बख्शे सो जन पावा। सतगुरु पातशाह कहन लगे एहो सच, सच नाम इथे गुरमुखो परमात्मा दा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे भाई एह सच, ये जो सच परमात्मा है सबना का खसम है, वो परमात्मा सारिया का मालक है, सारी दुनिया उन्हें बनाई है, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। ये बचन महाराज जी नाथ है, मालक है, नाथी सब जाकी उन्हें सारी सृष्टि नथ पा के रखी हुई है। जिवें पहले समय में लोग बैल जां झोटे वगैरह जिहड़े बहुते ताकत वाले काबू नहीं आते उन्हें नथ पा लिया करते, फिर वो झाटी ताकत वाला जानवर काबू आ जाता। परमात्मा ने सारी सृष्टि नथ पा के रखी हुई है, आप नाथ नाथ कहिए मालक, नाथी सब जाकी सारी सृष्टि उसने नथी हुई है, सबनू नथ पा के रखी हुई है, ऐसा वो समर्थ है। महाराज कहन लगे एहो सच, सच कहिए परमात्मा सबना का खसम है, वो सारिया का मालक है, सारी दुनिया उसके हुक्म दे विच है। जिस बख्शे सो जन पावै, जिस दे उपर सतगुरु बख्शिश कर दे सो जन पावै, उही इस आनंद साहब की बाणी नू पावेगा। आनंद साहब की बाणी भी एवें नहीं प्राप्त होवेगी, जिस बख्शे जिन्हू बख्शिश करेगा कृपा करेगा, जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। बचन पढ़ते हैं ना आप महाराज साहब जिया दे, पातशाह कहन लगे जिस बख्शे जिन्हू सतगुरु बख्शिश करनगे कृपा करनगे सो जन पावे, उही इस आनंद स्वरूप बाणी नू प्राप्त करता है, फिर उसनू वो बख्श लेंदे हन। नानक सच सोहला। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज कहन लगे भाई ये जिहड़ा सच्चा सोहला है, सोहला कहिए जस, सोहला कहिए आनंद साहब दी ये बाणी, कहन लगे भाई ऐसी है ते सच्चा घर केड़ा, ये सत संगत है, सत संगत रूपी घर दे विच बैठ के इस गुरबाणी नू गुरु का सिख पढ़ना करे, ऐसिया दातां फिर उसनू प्राप्त होणगियां। जिन्ने बचन आपां सरवण कीते ये सारिया दातां उस गुरसिख नू प्राप्त हो जाणगियां। कह नानक सच सोहला सच्चा है घर गावे, जिन्हां ने घर कहीए सत संगत विच बैठ के परमात्मा दा जस कीता सिफत कीती है, जिन्हां ने सोहला गाया उन्हां नू सारियां दातां प्राप्त हुंदियां हन। आनंद सुनहो वड भागी हो। गुरमुखो धन गुरु रामदास महाराज साहब जीआं तों बाद विच धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज साहब जी गुरता गद्दी ते बैठे, संगतां ने सिखां ने बेनती कीती महाराज कृपा करो इस आनंद साहिब बाणी दा महात्म आप जी कृपा करके दसो, ते फिर ये जिहड़ी अखीरली पौड़ी है ना 40 नंबर पौड़ी, विद्वान कहिंदे ने भी ये धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने रची है, सो ये 40 पौड़ियां आनंद साहब दियां महाराज ने बख्शिश कीतियां, 38 पौड़ियां धन गुरु अमरदास महाराज के मुख तो बख्शिश होईयां, 39वीं पौड़ी धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने बख्शिश की है, और 40 नंबर पौड़ी धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश करते पे। वैसे गुरमुखो सारे गुरु साहबान इको स्वरूप ही हैं, सानू वंड वखरेवा विच पैण दी लोड़ नहीं है, पर इतिहासकारां दे बचन ने भी महाराज इस तरह बख्शिश करते हैं। आनंद सुनहो वड भागी हो। सतगुरु पातशाह कहन लगे वड्डियां भागां वाले हो, वड भागी हो, वड्डे भागां वाले हो, वड भागी उहदा इह मतलब है वड भागी हो, वड्डियां भागां वाले हो, की करो आनंद सुनो, इस आनंद साहिब दी बाणी नू सुनो। सिखां ने आख्या ना महात्म दसो, सतगुरु महात्म दसदे पै, कहन लगे वड्डे भागां वाले हो इस आनंद साहिब दी बाणी नू सुनना करो, सगल मनोरथ पूरे। जदों तुसी इस बाणी नू सुनोगे तुहाडे सारे मनोरथ कहिए संकल्प जो साडे मन विच फुरना ना भी मेरा ये फुरना पूरा हो जावे, मेरा ये संकल्प है, मेरा ये ड्रीम है भी ये पूरा जरूर होवे,
सतगुरु पातशाह कहन लगे सब पूरा हो जाएगा जदों इस बाणी नूं सुनेगा, जदों इस आनंद साहब की बाणी नूं पढ़ेगा तेरे संकल्प पूरे हो जाएंगे, तेरे फुरने पूरे हो जाएंगे। जो भी तू अपने मन में ड्रीम बनाए हुए कि मेरा आने वाला समा इस तरह का हो, मैनू आ चीज़ मिले, सतगुरु पातशाह कहन लगे क्यों नहीं मिलेगी भाई, सगल मनोरथ पूरे, सारे दे सारे मनोरथ संकल्प तेरे मन के फुरने पूरे होंगे हैं। सतगुरु पातशाह कहन लगे जिन्हां ने इस बाणी नूं पढ़िया है, बाणी पढ़न वालियां नूं दात ए मिली है कि पार ब्रह्म प्रभ पाया, जिहड़ा सब दी रक्षा करन वाला परमेशर है, वह रक्षक परमेशर उन्हां ने पा लिया है, उन्हां नूं प्राप्त हो गया है जिन्हां ने इस बाणी नूं पढ़िया है। पार ब्रह्म जिहड़ा सारिआं दी रक्षा राखी करन वाला है, तिथै तू समरथ जिथै कोई ना है, जिथे कोई रक्षा नहीं कर सकता उथे रक्षा करन वाला परमात्मा, कहन लगे भाई जिन्हां ने पाया है उन्हां नूं फिर उसकी प्राप्ति है। उतरे सगल विसूरे ते विसूरे नाम गुरमुखो बचन है झोरे दा, आप आखते ने मैं बड़ा झोरा पै गया, बड़ी चिंता पै गई है, बड़ा फिक्र पै गया, जां अज आप कह दें मैं तो बहुत टेंशन दे विच हाँ। असी शब्द वरत लैने वखरे वखरे पर मतलब तो एको ही बनता है ना। महाराज कहन लगे उतरे सगल वसूरे, वसूरे नाम झोरे जिहड़े तेरे फिकर ने, ये सारे उतर जाणगे लै जाणगे। महाराज किवें लैणगे, कहन लगे पार ब्रह्म प्रभ पाया, जदों इस बाणी नूं पढ़ेगा परमेशर की प्राप्ति वाला बनेगा, जां इस बाणी नूं जदों पा लवेगा उदों परमात्मा तेरी एहो जी राखी करेगा, उतरे सगल विसूरे तेरे सारे झोरे जिहड़े हन वह खत्म हो जाने हन। दुख रोग संताप उतरे, सतगुरु पातशाह बचन बख्शिश कर दे, कहन लगे भाई इस बाणी का महात्म की है, दुख दुख तो भाव है गुरमुखो दुख, सब तो वड्डा दुख जम्मण ते मरण दा है। वैसे तो जिंदगी विच बड़े दुख ने, पर उन्हां बहुते दुखां विचों जम्मण मरण दा दुख वड्डा है। सो महाराज कहन लगे दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकत वार जम दूत, सो एक दुख रोग लगै तन ताए, वैद न भोले दारू लाए। ये महाराज ने दुखां दा वर्णन किया है। दुख विछोड़ा विछड़न दा दुख है, मां नाल पुत्र विछड़दा है ना, ये माँ पुत्र ही जानते हैं भी कैसा दुख है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, जे कि भुख लगी होवे ते प्रशादा ना मिले और ना ही अगे मिलन दी आस होवे ते फिर वह भुख दा दुख जिहड़ा सहारदा फिर उन्नू पता है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकत वार जमदूत, जिहड़े शक्ति वाले जमदूत ने उन्हां दा डर बड़ा है, उन्हां दा भी दुख है। एक दुख रोग लगे तन ताए, रब ना करे कोई शरीर नूं नामराद बीमारी लग जावे ते गुरमुखो उहदा भी बड़ा दुख, जे सारी रात बंदा हाए हाए करदा रहिंदा, दवाई बूटी खांदा असर कोई नहीं करदी है, फिर आपदे मूँहों कहिंदा भी रब्बा इहो जी जिंदगी नालों ते मौत दे दे मैनूं, मेरे तो होर नहीं तड़फिया जांदा। उहदे परिवार दे मैंबर भी इह गल्लां करन लग पैंदे हुण ते इहदा शरीर सांभिया जावे ते चंगी गल है, ऐसा वड्डा बीमारी दा दुख होया करदा। महाराज कहन लगे एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद ना भोले दारू लाए, ये बचन महाराज जिया ने। पर गुरमुखो इन्हां दुखां दे नालों सब तो वड्डा दुख जम्मण दा है ते उस तो वड्डा दुख मरण दा है। महाराज कहन लगे दुख तेरे जम्मण ते मरण दे दुख कटे जाणगे, जम्मना मरना नहीं पवेगा। ये बाणी पढ़ के ये महात्म दस दे पै गुरु अर्जन देव पातशाह भी आनंद साहब की बाणी पढ़ेगा जम्मण मरण दा दुख कटिया जाएगा। दूजा बचन रोग, जिहड़े शरीरक बीमारियां लग गई पातशाह कहन लगे वह भी कटिया जाणगियां। तीजा बचन महाराज जी का संताप, संताप जिहड़े मन नूं पै होए, मन की चिंता मन की फिक्र, हर वेले बंदा मन में सोचता रहिंदा है, पता नहीं आप कित्थे बैठा है, सोचता पता नहीं की पिया है, कई बार तुरिया कितें जांदा है, अपने आप नाल कल्ला ही गल्लां करी जांदा है, मन में चिंता पई हुई है। सतगुरु कहन लगे मन की चिंता भी नाश हो जाएगी,
शरीर दे रोग भी नाश हो जाएंगे, जमन मरन दा दुख भी कटिया जाएगा। महाराज किवें कटिया जाएगा? कहन लगे सुनी सच्ची बाणी। जो ये सच्ची बाणी आनंद साहब की सुनेगा उदो ये दातां प्राप्त होंदिया हन। सच्ची बाणी जिन्हां ने सच्ची बाणी सुनी उन्हां दा भला होया है। संत साजन कहे सरसे, सतगुरु पातशाह कहन लगे जिन्हां उपर गुरु कृपा करदे हन, पूरे गुर ते जाणी, जिन्हां ने पूरियां गुरां दी शरण प्राप्त कीती है। पूरिया गुरां दी शरण प्राप्त करन वाले इस नाम बाणी दी महिमा जान दे, फिर वो जिहड़े संत ते सज्जन ने ना, वो भै सरसे, सरसे तो भाव सहत रस दे हो गए। बाणी पढ़न लग्या नाम जपन लग पिया रस आउण लग पैना, ये रस अपने आप नहीं आउंदा है। राम रस पिया रे जिह रस बिसर गए रस, और ये रस एवें नहीं आउंदा, गुरु कृपा करे फिर नाम जपण दा रस आउंदा है। संत साजन भै सरसे, साधु ते संत समेत रस दे हो गए। किवें हो गए? पूरे गुर ते जानी, जिन्हां ने पूरियां गुरां तो ये बाणी जानी है। ते गुरमुखो कुछ दंभी पखंडी भी दुनिया विच हन, वह कहन लगे वेखो जी साडा नाम लिखिया महाराज ने, भी महाराज ने आख्या संत साजन भै सरसे, मैनू आख्या भी मैं सरसे विच रहिंदा हाँ। कोई आखदा कि महाराज ने राम लिखिया, ये मैनू आख्या भी असी राम जी दी अगे कुल विचों हाँ। कोई आखदा महाराज ने आख्या सतगुर होए दयाल तां सरदा पूरी है। कोई आखदा वेखो जी दयाल नाम लिखिया महाराज ने, ये साडा लिखिया है। बड़े बड़े पखंडी होए ना डेरेदार, उन्हां दे मुखियां दे नाम ने, कोई आखदा भी ये राम है, कोई आखदा ये दयालदास है, कोई आखदा भी ये सरसे वाला है। उन्हां ने एक एक दो दो बाणी दियां पंक्तियां चोरी करके ते अपने नाम दे नाल लवा लिया, भी आ वेखो महाराज मेरे बारे कहिंदे पै भी मैं फलानी थां ते हाँ, आ वेखो महाराज ने मेरा नाम लिया है भी मैं वो पूरा संत हाँ। नहीं गुरमुखो, ये ते पखंडियां दा पखंड है, दंभ है। ये ते महाराज जियां ने ये बचन कीता है, संत साजन भै सरसे, सरसे तो भाव समेत रस दे, वो गुरमुख हो गए। संत ते सज्जन जिन्हां ने पूरियां गुरां तो ये बाणी पढ़नी जानी है, जिन्हां ने इस बाणी नूं पढ़िया है। पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, सतगुरु कहन वाल कहन लगे सुनते पुनीत, सुन वाले पवित्र हो गए, कहते पवित कहन वाले भी पवित्र हो गए। ये बाणी दी महिमा है, जेड़े इस बाणी नूं कहणगे वो पवित्र हो जाणगे, जेड़े इस बाणी नूं सुनणगे उन्हां नूं होर भी वड्डा फल मिलेगा, वो पुनीत हो जाणगे। पुनीत शब्द पवित्र तो भी वड्डा है। बाणी विच बचन पढ़दे पवित्र 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 पुनीत, फिर महाराज ने लिखिया तीन वारी पवित्र लिख के चौथी वारी पुनीत लिखिया। महाराज कहन लगे सुनते पुनीत कहते पवित्र, कहन वाले पवित्र हो जाणगे ते सुन वाले उस तो वड्डी दात लैके उन्होंने पुनीत हो जाना है। क्योंकि सतगुरु पातशाह जी का जस सारिया थावां ते परिपूर्ण हो रहा है। बिनवंत नानक गुर चलन लागे, गुरु नानक दे पातशाह दे पंजवें रूप गुरु अर्जन दे पातशाह कहन लगे बिनवंत, बिनवंत तो भाव है बेनती पूर्वक कहना। गुरु अर्जन दे पातशाह कहिंदे भी असीं बचन कहिंदे पए हाँ बड़ी निम्रता दे नाल, गुर चरण लागे जिहड़े गुरु चरणा नाल लगणगे, जिहड़े गुरु चरणा नाल जुड़ जांदे हन। अनहद तुरे, अनहद तों भाव हुंदा गुरमुखो एक रस, ते तुरे जिहड़े हन कह लईए वाजे, उन्हां दे अंदर एक रस नाम दे वाजे वजण लग पैणगे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, सतगुरु कहन लगे जेडे गुरु चरणा नाल लग जाणगे वाजे अनहद तूरे, उन्हां दे अंदर अनाहद जेडे वाजे हन एक रस वह वजण लग पैणगे, ऐसियां दातां उन्हां नूं प्राप्त हुंदियां। सो तुसीं भी भाई गुरु चरणा दे नाल लग के इस बाणी नूं सुण के, इस बाणी नूं पढ़ के, इस बाणी दा जस करके, जिहड़ा जिहड़ा भी इस बाणी नूं पढ़ेगा उहदे अंदर जस दे वाजे सतगुरु बख्शिश कर देंदे। वाकया ही ये बाणी गुरमुखो आनंद स्वरूप है, जिन्हां ने पढ़ी है वह भी आनंद दा स्वरूप हो गए। ये गुरबाणी मनन वालियां नूं भगती देण वाली है, इस गुरबाणी दा मनन करन वालियां नूं वैराग दी दात प्राप्त हुंदी है,
ऐसी ये आनंद स्वरूप सतगुरां दी बाणी है। ये आनंद साहिब बाणी दा महात्म है, विद्वाना दी विचार है। 38 पौड़ियां गुरु अमरदास पातशाह ने बख्शियां, 39वीं पौड़ी गुरु रामदास पातशाह ने बख्शी है, 40 नंबर पौड़ी धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शदे पै। इस तरह ये 40 पौड़ियां दा संपूर्ण पाठ है। जिहड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा, जिहड़ा इस बाणी नूं सुनेगा, जिहड़ा इस बाणी नूं पढ़ सुन के अरदास करेगा, उहदियां मन दियां मनार्थ पूरे होणगे। समय की समाप्ति भुलां दी मुआफी दिओ सज्जन सीसड़ियां साहब सिओ मिलो। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।